दुश्मन तो दिया तू ना देश से निकाल। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं याद रहे तू। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी, और जैसे कि आज आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उर्गम वैली में काफ़ी शानदार तरीके से, और यहाँ पे स्कूल के बच्चे जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे, सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे अपना अपना रैलियाँ निकाल रहे हैं रोड पर गाँव के बीच। काफ़ी सुंदर लग रहा है और सावन का मौसम और सुंदर बैकग्राउंड। देख सकते हो वैली में काफी सुंदर तरीके से यहाँ पे 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। काफी सुंदर व्यू यहाँ पे, और सभी स्कूल के द्वारा काफी सुंदर रैलियाँ निकाली जा रही है यहाँ पे गांव के बीच, और साथ ही सावन का सुंदर नजारा। वाह, सो ब्यूटीफुल दोस्तों। Thank you.
हरियर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं वीर तुम झुको नहीं, प्रभात हो चुकी है रात संग हो न साथ हो, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं याद रहे तू, ये वतन। हमारे साथ हैं एनसीसी जो कि कमांड करती हैं यहाँ पे एनसीसी को, पूरी एनसीसी टीम को, और इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया यहाँ पे जो रैली हुई उर्गम घाटी में, और काफ़ी अच्छा इनका शो रहा, अलग ही परफॉर्मेंस रहा एनसीसी क्रेडिट वालों का। तो बहन बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैडेट दिव्या है, और यहाँ आज 15 अगस्त में हमारे यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह थे, और हमें बहुत ही अच्छा लगा देश के प्रति जो हमारे गाँव वालों के मन में प्रेम है, जो शहीद हुए उनके उनके लिए उनके प्रति प्रेम है। तो जय जय। कैसे गाइड करते हो आप अपने पूरे टीम को, थोड़ा बता दीजिए। हमको गाइड ये करते हैं हमारे सर जी। अच्छा, वो बता नहीं रहे कुछ भाई, थोड़ा हमें। तो यहाँ पे हैं सीनियर लोग जो कि पूरे एनसीसी क्रेडिट को गाइड करते कमांड करते हैं, तो भाई आप बताइए कुछ अपने टीम के बारे में, और अपना जो आप यहाँ पे किस तरह से कमांड करते हैं अपने
पूरे टीम को? मेरे एनसीसी का 4th साल है, मतलब मैंने 2 साल मैंने जोशीमठ इंटरस के इंटर कॉलेज जोशीमठ इंटरस के इंटर कॉलेज जोशीमठ कर रखा है। मैंने ए पास नहीं कर रखा है और बी बी का वहाँ एस डी वहाँ नहीं, तो इसलिए मुझे इंटर कॉलेज जाना पड़ा क्योंकि यहाँ एनसीसी मुझे लगा कि हम मिल सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ मैं आया और यहाँ आकर मतलब मुझे ये पता नहीं था कि मैं यहाँ सीनियर बनूँगा, लेकिन यहाँ आया जब देखा तो सर लोगों ने इसका ए कम्प्लीट है तो इसका सीनियर बनाया जाता है, तो मैंने ए करके कम्प्लीट करके बीच की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने आजकल हाल ही में जून के टाइम पे ATC कैंप करके आ रखा हूँ मैं, और इसके बाद एक कैंप और चांसेस है उसमें पता नहीं क्या मिलता है कि नहीं मिलता है चांसेस। काफ़ी अच्छा जो अभी उर्गम घाटी में आपका शो रहा काफ़ी अच्छा रहा, एनसीसी काफी अलग ही दिख रही थी, आपने कितने दिनों से पहले तैयारी करी थी इस मामले में? नहीं तैयारी तो हम मतलब डेली करते होंगे, डेली हमारे एनए सर है वो ट्रेनिंग के लिए जा रखे हैं, तो इसलिए अभी कोई भी वो नहीं हमारा, मतलब ज़्यादा अगर जिस दिन टाइम मिल जाता है सर लोग बोलते हैं करा दो, उस दिन मैं खुद ही कराता हूँ, हल्की फुल्की कराता हूँ, मतलब उन्हें ज़्यादा भी नहीं कराता हूँ। सर ने कल ही कहा कि इनकी कल ड्रिल होनी है, इनको ये इनकी तैयारी कर लेना, तो इनको मैंने कल एक घंटे एक या डेढ़ घंटे सिखाया होगा और ज़्यादा तो नहीं सिखाया मैंने इनको। ओके थैंक यू सो मच और यूट्यूब उर्गम घाटी में देख लेना। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं याद रहे तू, ये वतन।